नमस्ते, आप लोग बैठिए। फिर एक बार आपका ये दोस्त आपके बीच में है। मैं सबसे पहले तो 2020 इस नव वर्ष की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये 2020 का सिर्फ नया वर्ष ऐसा नहीं है, ये नया डेकेड है, नया दशक है। और आपके जीवन में ये दशक जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही हिंदुस्तान के लिए भी ये दशक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये हुआ कि इस दशक में देश जो भी करेगा, उसमें इस समय जो 10वीं 12वीं के विद्यार्थी हैं, उनका सबसे ज्यादा योगदान होगा। मतलब ये दशक महत्वपूर्ण बने, नई ऊंचाइयों को पाने वाला बने, नए सपने, नए संकल्प, नए अरमान, नई सिद्धियों के साथ आगे बढ़े। ये सब इस पीढ़ी पर ज्यादा निर्भर करता है। और इसलिए इस दशक के लिए मैं आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। सरकार में बहुत लंबे समय से मैं बंधा हुआ हूं, बहुत लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रहा, फिर से आप लोगों ने ये काम दे दिया। और इसके कारण कई कार्यक्रमों में जाना होता है, अनेक विध प्रकार की प्रवृत्तियों से जुड़ने का अवसर मिलता है। हर प्रसंग का एक अपना अनुभव होता है, कुछ जानने को मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है, हर एक का अपना अपना महत्व होता है। लेकिन अगर कोई मुझे कहे कि सारे इतने कार्यक्रमों के बीच वो कौन सा कार्यक्रम है जो आपको सबसे ज्यादा दिल को छूने वाला है, अपने दिल के करीब है, तो मैं कहूंगा क्या, कौन सा? बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि और मैं जब इसकी तैयारी होती है, जब आप लोग कुछ लिख करके भेजते हैं, और मैं देख रहा हूं कि देश के हजारों स्कूल, शायद देश का कोई तहसील ऐसा नहीं होता होगा जो इससे जुड़ता ना हो, तो मुझे भी देश के अलग अलग कोने में युवा मन क्या सोचता है, युवा मन क्या चाहता है, युवा मन क्या कर सकता है, ये मैं भली भांति फील कर सकता हूं। मैं अंदाज कर, अच्छा इतना बढ़िया बता रहे हैं ये बच्चे, तो मन को एक आनंद आता है। उसी प्रकार से जब मैं नौजवानों के साथ हैकेथॉन के कार्यक्रम में जाता हूं, भारत का उज्जवल भविष्य कितनी नई इमेजिनेशन के साथ आगे बढ़ सकता है, ये उसमें अनुभव आता है। तो ऐसे कई कार्यक्रम जहां पर नौजवानों से मिलने का मौका मिलता है,
युवा पीढ़ी से बात करने का अवसर मिलता है तो मेरे लिए भी एक शिक्षा का अवसर होता है। और इसलिए मैं अब ये ठीक है कि मैं परीक्षा पे चर्चा करता तो प्रधानमंत्री की कुर्सी को कोई तकलीफ होने वाली नहीं थी, अगर मैं न करता तो कोई अखबार में एडिटोरियल भी नहीं छपने वाला था कि देश का प्रधानमंत्री क्या करता है, ये करता तो है ही नहीं। ये मैंने खुद ने खोज करके अपने जिम्मे लिया है, क्योंकि जैसे आपके माता पिता जब आप नौवीं कक्षा से निकलने की तैयारी में हो उनके दिमाग में दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं भर जाती है, कुछ भी करोगे पता नहीं अब दसवीं में आ गया, समझ नहीं आता है बारहवीं है कौन समझाएगा तुझे, ऐसा कहते कि नहीं कहते, दिन में 100 बार डायलॉग सुनते हो ना। तो कि आपके माता पिता का भी बोझ मुझे थोड़ा हल्का करना चाहिए, तो जो काम वो करते हैं मैं ही सामूहिक रूप से कर लूं, क्योंकि मैं भी तो आपके परिवार का सदस्य हूं। और दूसरा, हमारे यहां गुजराती में एक कहावत है, पार की मां कान बिंधे, यानी किसी को कान में जब नहीं वो छेद करते हैं, मुझे भी है, मैं बचपन में पहनता था लेकिन हम वो नीम की वो पत्ती रहती थी उसका एक छोटा सा लगा देते थे, वो लकड़ी होती थी अंदर मां डाल देती थी। लेकिन घर में जो कहा जाता है वो मम्मी पापा रोज कहते हैं, यही सुनाते हैं, लेकिन कोई बाहर का कहता है तो कभी कभी वो रजिस्टर ठीक से हो जाता है। हो सकता है कि जो बात आपके माँ बाप करते हैं, आपके गार्जियन पिता आपके टीचर करते हैं, वही काम मैं करता हूँ, अलग तरीके से करता हूँ, और अपनेपन से करता हूँ, आपका दोस्त बन करके, आपका साथी बन करके, एक मददगार के रूप में मैं करता हूं, इसलिए मुझे भी संतोष मिलता है और आपको भी मैं बोझ नहीं लगता हूं, नहीं लगता हूं ना है? यार ये प्रधानमंत्री क्या कहेंगे, फिर घर जाएंगे तो यही करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो आज हम बातचीत शुरू करते हैं, और आजकल की फैशन है भाई हैशटैग विदाउट फिल्टर। तो हमारे बीच भी हैशटैग विदाउट फिल्टर, जैसे आप अपने दोस्तों से बात करते हैं वैसे ही करेंगे, कोई बोझ नहीं, हल्की फुल्की बातें, गलती भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, और मेरी होगी तो टीवी वालों को भी मजा आएगा तो उनको खुश नहीं कर सकता हूं, लेकिन अगर उनको इससे भी खुशी मिलती है तो मुझे और खुशी होती है खैर दोस्तों, हल्के फुल्के इस माहौल में अपन बातचीत शुरू करते हैं। पहला सवाल किसका है? माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके उत्साहपूर्ण प्रेरक उद्बोधन से सभागार में उत्सव का माहौल बन गया है। इस सभागार में उपस्थित हजारों छात्र छात्राओं के अलावा विश्व भर के 25 देशों से 30 करोड़ से अधिक छात्र, शिक्षक एवं अभिभावक इससे लाभान्वित हो रहे हैं। मान्यवर, आपके आशीर्वाद एवं अनुमति से अब हम सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों के लिए संयुक्त लाभदायक प्रश्नों की श्रृंखला का आरंभ करना चाहते हैं।
आइए अब प्रधानमंत्री जी के अनुमति से बढ़ते हैं परीक्षा पे चर्चा 2020 की विशिष्ट आकर्षण की ओर। मान्यवर, देश की आन बान शान की भूमि राजस्थान के पीडीएस सेकेंडरी स्कूल की कक्षा 10वीं की छात्रा यशश्री यहाँ उपस्थित है और आपसे मार्गदर्शन चाहती है। अपना प्रश्न पूछिए यशश्री। गुड मॉर्निंग सर, आई यशश्री फ्रॉम स्वामी विवेकानंद गवर्नमेंट मॉडल स्कूल राजस्थान। माई क्लासमेट्स एंड आई आर अपियरिंग फॉर बोर्ड एग्जाम्स दिस ईयर, तो इसके बारे में हमारा बहुत बार मूड ऑफ हो जाता है, सो सर प्लीज मोटिवेट अस एंड गिव सम सजेशंस टू फेस द एग्जाम्स विदाउट एनी स्ट्रेस एंड नर्वसनेस। थैंक यू। धन्यवाद यशश्री। माननीय प्रधानमंत्री जी, यशश्री यह जानना चाहती है कि बोर्ड की परीक्षाओं के विचार उनका मूड ऑफ करता है, वह कैसे अपने आप को परिश्रम करने के लिए प्रेरित करे। मैं सोच रहा था नौजवानों का तो मूड ऑफ होना ही नहीं चाहिए। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि मूड ऑफ क्यों होता है? अपने खुद के कारण से कि बाहर की परिस्थिति से? ज्यादातर आपने देखा होगा कि अधिकतम केस में दिमाग खराब होता है, ऑफ हो जाता है, काम करने का मन नहीं करता है, उसमें बाहर की परिस्थितियां ज्यादा जिम्मेवार होती हैं। जैसे माँ ने आपने माँ को कहा कि माँ मैं पढ़ रहा हूं, 6 बजे मुझे कुछ चाय वगैरह मिल जाए, देखना। फिर आप पढ़ रहे हैं बड़ी मस्ती से, लेकिन बीच बीच में घड़ी देखते हैं, 6 बजे कि नहीं बजे। तो गड़बड़ वहीं से शुरू होती है और फिर माँ को आने में देर हो गई, वो 15 मिनट अंदर से तूफान खड़ा हो जाता है। माँ समझती क्या है, उसको समझ नहीं है, मेरी 10वीं की एग्जाम है, मुझे पढ़ना है, मैंने 6 बजे चाय के लिए बोला था। मूड पक्का यही होता है ना। अब सोचने का तरीका दूसरा। ये सब हुआ लेकिन अगर आपने ये सोचा, अरे माँ इतनी मेहनत करती है, मेरी इतनी चिंता करती है, जरूर कुछ हुआ होगा कि माँ 6 बजे चाय नहीं ले पाई, तकलीफ में होगी, मैं जरा देखूं माँ को कुछ हुआ तो नहीं है, मुझे बताइए मूड ऑफ होगा कि मूड चार्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपनी अपेक्षा को इतना अपने साथ नहीं जोड़ दिया कि जिसके कारण वो अपेक्षा पूरी न होते ही एकदम से मूड डाउन हो जाता है। अगर हम आदत बना दें, आपने देखा होगा कि हम 5-6 दोस्तों ने कोई खेलने का कार्यक्रम बना दिया, खेलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन एक साथी अभी आया नहीं, हम लोगों को जाना है, जल्दी जाना है। आपने देखा होगा कि उन 5 जो पहुंच गए हैं उसमें 2 ऐसे होंगे जो छटपट आएंगे, यार आया नहीं, देखो लेट हो गया, देखो लेट हो गया, उनका दिमाग उसमें। 3 ऐसे होंगे, अरे यार छोड़ आएगा। अपना मन का कैसा हम मैनेजमेंट करते हैं, ये मूड का साथ। जहां तक मोटिवेशन एंड डीमोटिवेशन का सवाल है, जीवन में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको इन चीजों से गुजरना न पड़ता हो। हर किसी को इस दौर से गुजरना ही पड़ता है।
बार बार गुजरना पड़ता है। कभी कुछ करने के लिए बहुत मोटिवेटेड होते हैं, कभी एकदम से असफलता मिली तो डीमोटिवेट हो जाते हैं। अब आप देखिए चंद्रयान, आप सब रात को जाग रहे थे, हैं? चंद्रयान को भेजने में आपका कोई कंट्रीब्यूशन था क्या? नहीं था। लेकिन आप ऐसा ही मन लगा के बैठे बस, जैसे आपने ही किया है, किया ऐसा होता था कि नहीं होता? और जब नहीं हुआ तो आप सब के सब साइंटिस्ट लोग, बाहर पूरे हिंदुस्तान एक प्रकार से डीमोटिवेट हो गया, नहीं हो गया था। अब सब रात को जाग रहे थे। कभी कभी विफलता हमको ऐसा कर देती है। उस दिन वहां मौजूद था, कुछ लोगों ने मुझे, मैं आज सीक्रेट बताता हूं, कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि मोदी जी आपको वहां इस कार्यक्रम में नहीं जाना चाहिए क्योंकि इसमें कोई श्योरिटी नहीं है, आप जाएंगे और फेल हो गया तो क्या करोगे। मैंने, इसलिए मुझे जाना चाहिए। और जब लास्ट कुछ मिनट्स से मैं देख रहा था साहब चेहरे पर बदलाव दिख रहा है, तनाव दिख रहा है, एक दूसरे की तरफ ऐसे ऐसे देख रहे हैं, मैं समझा कुछ अनहोनी, हम साइंटिस्ट तो है नहीं तो पूरा समझ तो आता नहीं था, लेकिन उनके चेहरे से लग रहा कुछ अनहोनी हो रही है। फिर थोड़ी देर में आकर के उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा ठीक है आप ट्राई कर रहे हैं करिए, मैं बैठा हूँ। फिर एक 10 मिनट के बाद उन्होंने बताया साहब नहीं हो रहा है। तो फिर मैं कुछ साइंटिस्टों के साथ वहाँ बैठा, कुछ बातें की, अंदर भी जा करके थोड़ा चक्कर लगाया, चिंता मत कीजिए ऐसा करके। फिर मैं रात को करीब 3 बज गए थे, मैं अपने होटल पे गया। लेकिन मैं चैन से बैठ नहीं पाया, सोने का मन नहीं करता था। हमारी जो पीएमओ की टीम है तो वो अपने कमरे में चली गई थी, आधा पौना घंटा इसे मैं चक्कर काट रहा था। तो मैंने कहा ऐसा करो यार सबको बुलाओ। तो फिर जो बेचारे सो गए थे उनको बुलाया। मैंने कहा देखिए सुबह हमको जाना है लेकिन हम कार्यक्रम बदल कर देंगे, सुबह हम जल्दी नहीं जाएंगे, देर से जाएंगे। और इन साइंटिस्टों को 3 बज गए हैं लेकिन क्या सुबह 7, 7:30, 8 बजे इकट्ठे हो सकते हैं क्या? मैं मिलना चाहता हूँ, मैं जा सकता था, सुबह उठ करके चला जाता और जिस देश में कोई नोटिस भी नहीं करता, कोई जरूरत भी नहीं थी। मैं खुद को समझा नहीं पा रहा था और इसलिए मैं सुबह उन साइंटिस्टों को फिर से इकट्ठा किया, मेरे भाव मैंने व्यक्त किए, उनके परिश्रम को जितनी सराहना की जा सकती है कि देश के सपनों की बातें की, पूरा माहौल बदल गया। और वहां बदला ऐसा नहीं, पूरे हिंदुस्तान का बदल गया। जिस घटना ने और बाद में क्या हुआ सब आपने टीवी पे देखा है, मैं कहना नहीं चाहता हूं। कहने का मतलब ये है कि हम विफलताओं में भी सफलता की शिक्षा पा सकते हैं। हर प्रयास में हम उत्साह भर सकते हैं और किसी चीज में आप विफल गए इसका मतलब ये है कि अब आप सफलता की ओर चल पड़े हैं। अगर वहीं रुक गए फिर तो कितने ही ट्रैक्टर लगा दे आपको खींचने के लिए नहीं निकल सकते हो, एक खुद तय करो तो आप निकल सकते हो। और इसलिए मोटिवेशन डीमोटिवेशन आपको मालूम होगा 2000
एक में, शायद कलकत्ता में, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट मैच था। तब आप लोग तो, आप में से कुछ लोग होंगे जिनका जन्म भी नहीं हुआ होगा। और ऐसी हो गई, भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रही है, अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ पर है, तो 2001 में ऑस्ट्रेलिया और भारत कोलकाता में मैच था, फॉलो ऑन होना पड़ा, बुरे दोबारा खेलने आए तो फटाफट विकेट जाने लगी, सारा माहौल डीमोटिवेशन का था, ऑडियंस भी नाराजगी अपनी व्यक्त करती ही रहती है, भूल जाती है कि मेरे अपने खेल रहे हैं, जरा लेकिन तब ए, क्या आउट हो गए, देखो क्या है, ऐसा होता है। लेकिन आपको याद होगा राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण, इन दोनों ने उस पिच पर जो कमाल किया, ऐसे धीरे 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 तक शाम तक खेल को खींचते चले गए, सारी परिस्थिति को उलट कर दिया। इतना ही नहीं, वो जीत करके आ गए मैच को। माहौल पूरा डिमोटिवेशन का था, लेकिन एक संकल्प, कैसे हार सकते हैं, जुट जाएंगे, जूझेंगे, बॉल एक एक बॉल के साथ खेल ताकत दिखाएंगे, परिणाम दिया। तो 2002 में भी आपने देखा होगा, भारत की टीम वेस्ट इंडीज खेलने गई थी, तो उस समय हमारे एक अच्छे बॉलर अनिल कुंबले, उनको एक बाउंसर से चोट आई और पूरा जड़वा टूट गया, काफ़ी पट्टियाँ वट्टियाँ बांध करके, और उसका पेन आप समझ सकते हैं, यहाँ जब चोट लगती है तो दांत में थोड़ा सा भी दर्द होता है, कितना होता है। अब स्थिति ये थी, अनिल बॉलिंग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने दर्द की परवाह नहीं की, रोते नहीं बैठे। अगर वो न भी खेलते तो देश उनको दोष नहीं देता, लेकिन उन्होंने तय किया नहीं, मेरा जिम्मा है, ठीक है दर्द होता है तो होता है, जितनी पट्टियां लगा सकते हैं लगाएं, मैदान में उतरे। और आपको पता होगा कि उस समय 12 की विकेट लेना यानी बड़ा अचीवमेंट माना जाता था, और ब्राउन लारा की विकेट लेकर के उन्होंने मैच का पूरा चित्र पलट दिया, यानी एक व्यक्ति का संकल्प औरों को भी मोटिवेशन का कितना बड़ा कारण बन जाता है। ऐसी अनेक घटनाएं आपके सामने होगी जिसको देख करके आप तय कर सकते हैं कि मैं इमोशंस को मैनेज करने का मेरा तरीका, उस पर देखने का मैं ऐसा कर तरीका है, उस पर निर्भर करता है। अगर इसको हमने कर लिया तो मूड ऑफ होगा, लेकिन फिर भी आप पल दो पल में उसको मैनेज भी कर लेंगे, और फिर आप उसी स्वस्थ मन से अपनी बात को आगे बढ़ा सकेंगे। धन्यवाद आपको। लक्ष्य प्राप्ति में आने वाली सभी बाधाओं का निराकरण आपके वचनों से हो गया माननीय, अब मूड एकदम फ्रेश हो गया सर, धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी की साधना स्थली केदारनाथ के राज्य उत्तराखंड से कक्षा 10वीं के मयंक नेगी ब्लूमिंग वेल पब्लिक स्कूल श्रीमान से मार्गदर्शन चाहते हैं। मे वी हैव द क्वेश्चन प्लीज। माननीय प्रधानमंत्री महोदय सुप्रभात, मैं मयंक नेगी ब्लूमिंग वेल पब्लिक स्कूल कोटद्वार उत्तराखंड से कक्षा 10 का छात्र हूँ। सफल लोग जैसे बिल गेट्स, थॉमस एडिसन और मार्क जुकरबर्ग अपने प्रारंभिक जीवन में असफल साबित हुए हैं, अतः परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों द्वारा ही किसी की पहचान नहीं की जा सकती है। माननीय महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने हेतु हम अपना कितना ध्यान केंद्रित करें, धन्यवाद। धन्यवाद मयंक। माननीय प्रधानमंत्री जी, मयंक यह जानना चाहते हैं कि जीवन में सफल मापदंड क्या केवल परीक्षा में प्राप्त मार्क्स हैं? आपकी चिंता सही है, और शायद हर विद्यार्थी को घर में और स्कूल में
लगातार इसी का मुकाबला करना पड़ता होगा, क्योंकि जाने अनजाने में हम लोग उस दिशा में चल पड़े हैं हमारी शिक्षा को लेकर के, जिसमें सफलता विफलता का एक टर्निंग पॉइंट कुछ विशेष परीक्षाओं के मार्क्स बन गया है, और उसके कारण मन भी उस बात पर रहता है कि बाकी सब बाद में करूंगा, एक बार मार्क्स ले आऊं। माँ बाप भी यही एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, कह रहे भाई पहले तुम दसवीं बढ़िया कर लो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। फिर ग्यारहवीं में आएंगे तो फिर कहेंगे भाई बात बराबर है, लेकिन बारहवीं बहुत महत्व की है, जरा इस पर जोर लगा दो। फिर कहेंगे एंट्रेंस एग्जाम महत्व की, इस पर जोर लगा दो। उनका इरादा होता है कि बच्चे को जरा मोटिवेट करें, उत्साहित करें, लेकिन किसी जमाने में शायद यह सत्य होगा, आज दुनिया बहुत बदल चुकी है, संभावनाएं बहुत बढ़ गई है, सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। उसी प्रकार से कोई एक एग्जामिनेशन ये पूरी जिंदगी नहीं है, वो एक पड़ाव है। सबसे पहले हमने हमारे पूरे जीवन का ये महत्वपूर्ण पड़ाव मानना चाहिए, लेकिन यही है ये कभी नहीं मानना चाहिए। जिस दिन माँ बाप को मैं खास प्रार्थना करूंगा कि आप बच्चों को ये नहीं तो बस कुछ नहीं, ये जो मूड बना देते हो, मैं ऐसा मत करो। ये हुआ अच्छी बात है, ज्यादा अच्छा हो और अच्छी बात है, लेकिन कुछ न हुआ तो जैसे दुनिया लूट गई, ये सोच बिल्कुल ही आज के युग में उपयुक्त नहीं है। बहुत सारे स्कोप है, जीवन के किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं आप। आपने देखा होगा किसान, हो सकता है स्कूली शिक्षा बहुत कम हुई हो, लेकिन वो सीखता है, अनुभव करता है, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करता है, शिक्षा की अपने खेती की पद्धति बदलता है, आधुनिक करता है, जीवन को कितना बढ़िया बना देता है। और इसलिए मैं साफ कहूंगा कि परीक्षा का महत्व है, उसके बाद परीक्षा ही जिंदगी है, ये सोच से हमें बाहर आना चाहिए। जीवन में कई प्रवृत्तियां होती हैं, कई चीजें होती हैं, इसको लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके प्रेरक वचन हम सब के लिए प्रेरणा के सूत्र हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम द हार्ट ऑफ इंडिया, द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। प्रजक्ता अतंकर, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 ऑफ केंद्रीय विद्यालय गंगानगर गरहा जबलपुर, ज्वाइंस अस टू आस्क हर क्वेश्चन। कुड वी हैव द क्वेश्चन प्लीज? माय नेम इज प्रजक्ता अतंकर फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय गरहा जबलपुर एमपी। My question to Honorable Prime Minister, the balance between co-curricular activities and study is very important, but these activities restrict the children, is it so? Mantriji, इसी से मिलता जुलता एक और प्रश्न है। Government Girls Senior Secondary School No. 2, दिल्ली की कक्षा 9वीं की छात्रा रिया नेगी अपने मन में उठने वाले प्रश्न का समाधान चाहती हैं। रिया सभागार में बैठी हैं। रिया कृपया अपना प्रश्न पूछें। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं रिया नेगी कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 2 में पढ़ती हूँ। मैं दिल्ली से हूँ और मेरा प्रश्न आपसे यह है कि जो छात्र पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं होते हैं, मगर अन्य क्षेत्रों जैसे खेल कूद, संगीत इत्यादि में अच्छे होते हैं, वह अब उनका भविष्य क्या होगा, इस पर अपनी राय दीजिए। महोदय, एक और भी प्रश्न इसी से मिलता जुलता है। अ रेसिडेंट ऑफ हुगली कोलकाता,
the land of great Saint Vivekananda and Nobel laureate Gurudev Rabindranath Tagore. Anamika Bhunia of Jawahar Navodaya Vidyalaya is here with us in the audience to ask her question. Anamika, kripya apna prashn poochiye. Honorable Prime Minister, sir, I am Anamika Bhunia, studying in class 11 science. I am from Jawahar Navodaya Vidyalaya, Hooghly, West Bengal. My question is, how can we make a balance between our extracurricular activities and academic activities? Sir, please give us some suggestions. Thank you. Thank you, Anamika. Manyavar, Prajakta, Riya va Anamika utsuk hain yah janne ko ki paathya sahagami kriyaon va padhai ke beech samanjasya ya balance kaise sthapit kare. Aap logon se main ek sawal puchna chahta hu. Jawab. Aap mein se kitne log hain jo ye mante hain कि कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करती हूँ तो मेरी पढ़ाई में नुकसान होता है, ऐसे मानने वाले कितने हैं? कोई नहीं है. अच्छा, जो मानते हैं मेरे लिए पढ़ाई का महत्व है लेकिन जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए अन्य एक्टिविटी भी बहुत जरूरी है, ऐसा मानने वाले कितने हैं? अच्छा, उसमें भी थोड़ा उत्साह कम है. अच्छा, तीसरा सवाल, जो ये मानते हैं हाँ एक्स्ट्रा एक्टिविटी होनी चाहिए और जो समय दे करके रेगुलरली करते भी हैं, ऐसे कौन कौन है? चलिए, ये स्थिति हमें बदलनी है. देखिए, आखिरकार हम जो शिक्षा व्यवस्था से शिक्षा प्राप्त करते हैं वो एक प्रकार से बहुत बड़ी दुनिया के दरवाजे खोलने का रास्ता होती है. उसी से दुनिया में हम प्रवेश करते हैं. जब बालक अल्फाबेट सीखता है, ए या क, उसका मतलब कि वो एक नई दुनिया में प्रवेश कर रहा है. पहले अल्फाबेट सीखेगा, उसके बाद दो दो अक्षरों का शब्द सीखेगा, फिर तीन अक्षर वाला शब्द सीखेगा, फिर दो दो शब्दों को सीखेगा. शुरू तो किया था क से, लेकिन करते 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 वो कहाँ पहुँच गया? क्योंकि वो एक एंट्रेंस पॉइंट था. हमारी पूरी शिक्षा जो है वो हमें कुछ करने जानने के लिए एक अवसर देती है, उसी को आधार बना करके हमें आगे बढ़ना होता है. कोई अगर सारे गम पधनी सा ये बहुत परफेक्ट कर ले, यानी हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट जो म्यूजिक की दुनिया के लोग हैं वो भी उसकी वाहवाही करें, वैसा ही सारे गम पधनी सा, लेकिन वो वहीं रुक जाए तो वो संगीत की दुनिया में कुछ कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? सारे गम पधनी सा संगीत की दुनिया में प्रवेश करने का एक एंट्रेंस पॉइंट है. उसको आत्मसात करने के बाद संगीत की सारी विधाओं में उसको जाने का अवसर मिलता है. लेकिन अगर वो ये कहे कि मैंने तो शिक्षा ले ली, सारे गम पधनी सा आ गया, अब मुझे संगीत आ गया, अब मुझे कुछ करना नहीं, तो होगा क्या? मतलब एक्चुअली जो हम सीखते हैं इसको डेली कसौटी पर कसना चाहिए, डेली. और टीचर जो क्वेश्चन आंसर करे उसकी कसौटी पे नहीं, जिंदगी की कसौटी पे कसना चाहिए. अगर मैंने क्लास में मुझे पढ़ाया गया कि भाई कम बोलने से फायदा होता है, तो फिर कभी कोशिश करनी चाहिए कि जब माँ बाप बहुत डांट रहे हैं, कुछ गलती करके आए हैं, तो ट्रायल करना चाहिए, वो जो कम बोलने वाला कहा था यहाँ काम आएगा क्या?
अगर आप कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं करते हैं, आप एक बिल्कुल रोबोट की तरह जो सॉफ्टवेयर आपके अंदर डाला है उसी प्रकार से सुबह से शाम करते रहोगे तो आप रोबोट रह जाओगे। क्या हम चाहते हैं कि मेरा देश का नौजवान रोबोट बन जाए? नहीं चाहते हैं। हमारा नौजवान ऊर्जा से भरा हुआ, सपनों को लेकर चलने वाला, साहस सामर्थ्य दिखाने वाला, ये अगर नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। और इसलिए हमने अन्य गतिविधियां एक्टिविटी उसमें उदासीन कभी नहीं रहना चाहिए। ये ठीक है, समय का मैनेजमेंट करना चाहिए, संतुलन करना चाहिए, लेकिन उस एक्टिविटी आने बिल्कुल बेकार, सब बर्बाद हो जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। एक समय था जब अवसर बहुत कम थे तो लगता था भाई एक बार किताबों की दुनिया से आगे बढ़ जाऊं फिर रास्ते खुल जाएंगे। आज ऐसा नहीं है, आज अवसर बहुत है। और इसके लिए अगर हम कोशिश करें, हम प्रयास करें, तो हम अवश्य परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए मैं चाहूँगा कि हमने जीवन में एक्स्ट्रा एक्टिविटी को बदल, लेकिन एक नई बुराई इन दिनों प्रवेश कर गई है। ये बुराई बहुत चिंताजनक है। क्या हुआ है? पेरेंट्स के लिए ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी ये एक प्रकार से फैशन स्टेटमेंट हो गया है। जब माँ बाप अपने दोस्तों के बीच में बैठते हैं तो उनको ये कहने का मजा, मेरा बेटा सुबह क्रिकेट कोचिंग में जाता है, फिर 10 बजे टेनिस में जाता है, फिर 11 बजे स्विमिंग के लिए जाता है, फिर 5 बजे आरंगेत्रम मणिपुरी डांस सीख रहा है। उनको बड़ा मजा आता है। क्यों? कभी कभी माँ बाप सोच लेते हैं कि जो ग्लैमर ड्रिवन एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, सेलिब्रिटी के रूप में आपको अच्छा लगता है, ऐसी गतिविधि मेरे बेटे बच्चों से कराऊंगा, तब क्या होता है कि जैसे माँ बाप बच्चों पर एग्जाम को लेकर के दबाव डालते हैं, अब ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए भी माँ बाप दबाव डालने लगे हैं। हो रहा है ना कईयों को? नहीं बोलेंगे? मैं आपकी मुश्किल जानता हूं, क्योंकि बोलेंगे और टीवी पे घर वाले देख लेंगे तो लेकिन ये सही है, माँ बाप का भी काम है कि बच्चे के एक तो स्थानीय व्यवस्था में अवसर कहाँ कहाँ है, उसमें से उसकी रुचि वाली चीजें कौन सी हैं, माँ बाप ने उसके साथ बातें करते करते निकालना चाहिए और जिसमें उसकी रुचि है उस एक्टिविटी में ले जाना चाहिए। लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से वेल स्ट्रक्चर्ड वे में भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी को कहीं ना कहीं तो बांधना चाहिए, तब जाकर के आप अपने आप को इवेल्यूएट कर सकते हो और जीवन में एक संतोष भी प्राप्त कर सकते हो। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होंगे 35-40 साल के बाद ये करना मुश्किल हो जाता है, तो उनके मन में बोझ रहता है, यार स्कूल के जीवन में ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, तो फिर उसके लिए वो जिंदगी बोझ बन जाती है। अगर आप स्कूली जीवन में विविधताओं भरे जीवन को कसने का आदत बनाते हैं तो आने वाले जीवन में ये बहुत उपयोगी होता है। जितना क्लासरूम में पाई हुई शिक्षा का महत्व बन जाता है, उतना ही 35-40 साल की उम्र के बाद ये अन्य चीजों से अपने आप को जो कसा हुआ है वो जीवन जीने के लिए बहुत काम आता है। और इसलिए एक को दूसरे का दुश्मन नहीं मानना चाहिए, एक दूसरे को नुकसान करना ऐसा मत मानना चाहिए, हमें एक्स्ट्रा एक्टिविटी करनी चाहिए। और दूसरा, 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों को तो मैं जरूर कहूंगा कि आप कुछ न कुछ तो एक्स्ट्रा कीजिए, डेली 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, तो आपका माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाएगा, आप उसी में लगे रहोगे, किताब ये बस एक एक चीज 10-10, 20-20 बार करते रहोगे तो आप बिल्कुल बन जाओगे।
तो ऐसा बिल्कुल मत होने दीजिए। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी आपके मार्गदर्शन के लिए। From the islands for their pristine beaches, K. Divya, a class 10th student of Government Model Senior Secondary School, Andaman, she seeks respected Prime Minister's viewpoints on certain issues. Could we have the question, please? Honorable Prime Minister, sir, Namaskar. I'm K. Divya of class 10 from Government Model Senior Secondary School, Andaman and Nicobar Islands. My question to you is, what should be the role of modern technology in a student's life? Question comes from Deepesh Rai, a student of class 12 of Namchi Senior Secondary School, South Sikkim, and has traveled all the way from Sikkim to be here with us, the audience, to ask his question. Deepesh, apna prashna poochiye. Good morning, everyone. Honorable Prime Minister, my name is Deepesh Rai, studying in class 12 from Namchi Senior Secondary School, Sikkim. So my question is that many children in the world are using educational technology to learn better. So how can it help us? धन्यवाद दीपेश महोदय। दिव्या व दीपेश जानना चाहते हैं कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी छात्र जीवन में किस प्रकार सहायक हो सकते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। शायद पिछली शताब्दी के आखिरी कालखंड और इस शताब्दी का आरंभ कालखंड, विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने पूर्ण रूप से जीवन को बदल दिया है। एक प्रकार से जीवन भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गया है, और इसलिए टेक्नोलॉजी का भय ये कतई अपने जीवन में आने नहीं देना चाहिए। ये टेक्नोलॉजी है, मैं क्या करूं, आने नहीं देना चाहिए। दूसरा, अब टेक्नोलॉजी आई तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मैं पहले तो ऐसे सोचता था, ऐसे करता था, अब नई चीज आई, मैं कैसे कोप अप करूंगा। जी नहीं, टेक्नोलॉजी को हम अपना दोस्त माने, बदलती हुई टेक्नोलॉजी को हम पहले से समझने की कोशिश करें, हम प्रोएक्टिव हो। तीसरा, क्या सिर्फ टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना इनफ है क्या दोस्तों के बीच में छटाके मारने के लिए काम आएगा कि मुझे ये पता है कि दुनिया में ये हो रहा है, कैमरा ऐसा निकला है, मोबाइल फोन ऐसा निकला है? नहीं। जब मैं टेक्नोलॉजी के विषय में जानता हूं तो मेरी कोशिश रहनी चाहिए कि मैं जिस प्रकार को लेकर के काम कर रहा हूं, मेरे लिए इसमें उपयोगी कैसे होगा। क्या मैं टेक्नोलॉजी को मेरे लिए लाऊंगा कि टेक्नोलॉजी मेरा समय खा जाएगी? ज्यादातर अनुभव ये आ रहा है कि कईयों का समय टेक्नोलॉजी चोरी कर लेती है। आप में से कितने हैं जो स्मार्टफोन उपयोग करते हैं, बताइए ना, संकोच मत कीजिए, आपके टीचर नहीं देख रहे हैं। सोचिए, ये स्मार्टफोन कितना समय आपका चोरी करता है, और मान लीजिए उसमें से 10% कम करके अपने माँ दादा दादी इनके साथ अगर बिताए, 10 मिनट में कह रहा हूं, ज्यादा नहीं, आज आपका स्मार्टफोन जितना समय खाता है, जितनी चोरी कर जाता है, उसमें से 10 मिनट अपने दादा दादी माँ उनके साथ बैठ के बिताओ, तो टेक्नोलॉजी ज्यादा उपकारक बनेगी कि दादा दादी के साथ खुले मन से 10 मिनट की बात प्यारा उपकारक? क्या होगा? मतलब टेक्नोलॉजी हमारा समय चोरी कर जाए, टेक्नोलॉजी हमें खींच के ले जाए, इससे हमें बचना चाहिए। हमारे में वो ताकत होनी चाहिए कि मैं टेक्नोलॉजी को मेरे कब्जे में रखूंगा, मैं टेक्नोलॉजी को मेरी इच्छा के अनुसार उपयोग करूंगा। और इसलिए टेक्नोलॉजी के प्रति
और मुझे खुशी होती है, आप देखिए कभी रेलवे स्टेशन पे जाइए, रेलवे स्टेशन पे एक पूछताछ की विंडो होती है, वहाँ पर कोई अफसर बैठे होते हैं, ट्रेन कब आएगी, क्या जाएगी, रिजर्वेशन का पूछने के लिए जाते हैं, लेकिन उसी पर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा रहता है, और आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वाला बोर्ड होता है, उस पर सब लिखा होता है, ये ट्रेन का नाम है, कहाँ से कहाँ जाती है, कितने नंबर के प्लेटफॉर्म पर आएगी, लेट चल रही है कि समय पर, सब लिखा हुआ होता है। लेकिन हम जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, वे क्या करते हैं, खिड़की के पास कतार लगा के खड़े हो जाएंगे, हैं 20 नंबर 30 नंबर ऊपर देखूंगा, पढ़ूंगा नहीं, मेरे सवाल है वो बता रहा है कि दिल्ली एक्सप्रेस, जम्मू तावी एक्सप्रेस इतने बजे जाने वाला है, इतने नंबर पे जाएगा, 5 मिनट लेट है, 7 मिनट, लेकिन मैं जब तक उसको नहीं पूछता हूं, आपने देखा होगा बहुत लोग होते हैं कि किसी को मैसेज करेंगे फिर फोन करके पूछेंगे मेरा मैसेज मिला, और इसलिए टेक्नोलॉजी का हम आज की पीढ़ी क्या करती है, वो घर से ही मोबाइल फोन पर गूगल गुरु से बात कर लेती है और देख लेती है ट्रेन कौन सी लेट है कौन सी नहीं है, वो घर से ही कितने बजे निकलना तय करते, करते हैं कि नहीं करते, मतलब उसने टेक्नोलॉजी का सही उपयोग किया। एक पीढ़ी वो है सामने है फिर भी देखने को तैयार नहीं जब तक पूछता नहीं है, आज नई पीढ़ी वो है जो पूछने के लिए तैयार ही नहीं है, वो कहती है मेरे पास है मैं इसको पूछूंगा वो, और जो कहेगा वही सही से, इसका मतलब कि उसको टेक्नोलॉजी का उपयोग क्या हो ये उसको करना आ गया। मैं आपसे आग्रह करूं, जैसे वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्या कभी हम अपनी मातृभाषा की डिक्शनरी या किसी अन्य एक भाषा की डिक्शनरी जो भी आपको पसंद आए, अंग्रेजी करना है अंग्रेजी, क्या डेली अपने मोबाइल फोन में जो डिक्शनरी है तय करेंगे कि आज मैं कम से कम 10 नए स्पेलिंग और उसका मीनिंग दिन भर में जब भी जाऊं मोबाइल फोन निकाल करके देख लूंगा, याद कर लूंगा पर डे 10। बोलिए टेक्नोलॉजी उपयोगी हुई कि नहीं हुई, तो टेक्नोलॉजी कैसे उपयोग करना है, कहीं ऐसा ना हो कि माँ बाप के और आपका झगड़ा इस बात पे हो कि दिन भर दोस्तों के साथ बैठे रहते हो, टेलीफोन पे लगे रहते हो, तो ये तो ठीक से नहीं है। किसी समय सोशल नेटवर्किंग ये बहुत आवश्यक माना जाता था, रोज लोग 1 घंटा 2 घंटा शाम को निकलते थे, किसी फंक्शन में जाएंगे, दोस्तों के यहाँ जाएंगे, मिलते रहते थे, क्यों कि जीवन समाज व्यवस्था से जितना ज़्यादा जुड़ करके रहता है उतना लाभ होता है, ये स्वाभाविक व्यवस्था है। लेकिन धीरे धीरे उस सोशल नेटवर्किंग शब्द का इतना विकृति आ गई टेक्नोलॉजी के कारण कि अब सोशल नेटवर्किंग हमारा व्हाट्सएप कर रहा है, ये सोशल नेटवर्किंग उस सोशल नेटवर्किंग की कल्पना से एक प्रकार की विकृति है। आप पहले हम अपने दोस्त को जन्मदिन है तो सुबह चले जाते थे, जरा सरप्राइज देने का मजा आता था, अब क्या रात को 12 बजे भी टेक्नोलॉजी को बता करके दे दे रहा हूं, टेक्नोलॉजी ही व्हाट्सएप कर देती है, मैं सो जाता हूं। अब ये जो जीवन की जगह प्राण तत्व को अगर टेक्नोलॉजी हड़प कर लेगी तो फिर जिंदगी हमारी बहुत शुष्क हो जाएगी, और इसलिए टेक्नोलॉजी का उपयोग भी होना चाहिए लेकिन हम टेक्नोलॉजी के गुलाम नहीं होने चाहिए। इन टेक्नोलॉजी हर पल बदलती जा रही है जी, आपको अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, हर नई टेक्नोलॉजी के प्रति आपकी रुचि होनी चाहिए, जानना चाहिए, समय निकाल करके औरों को पूछना चाहिए, टेक्नोलॉजी आई है इसकी भी रुचि विद्यार्थी काल में हमने डेवलप करनी चाहिए,
इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। मैं व्यक्तिगत जीवन में कह सकता हूँ कि टेक्नोलॉजी के प्रति मेरा जो आकर्षण रहा, टेक्नोलॉजी में मुझे आता कुछ नहीं है लेकिन जानने का शौक रहा क्या है भाई, किसी किसी को सुनता हूँ तो पूछता हूँ। हवाई जहाज में मेरे बगल में कोई बैठा हो, अब तो वो मौका नहीं मिलता है क्योंकि अब तो सरकारी व्यवस्था में फंसा पड़ा हूँ, लेकिन पहले जहाज में जब जाता था तो मैं कोई बगल में किसी है तो पूछता था, अरे भाई ये क्या चीज़ है आपके पास, इसका क्या उपयोग होता है, कैसे होता है, क्यूरियोसिटी मेरे मन में रहती है और मुझे उसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है। मैं भी आपसे चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी को अपने जीवन के विकास में एक साथी के रूप में जोड़ दीजिए आप, लेकिन जिंदगी का हिस्सा टेक्नोलॉजी मत बनने दीजिए, जिंदगी का हिस्सा। और इसके लिए आपने देखा होगा आजकल परिवार में तीन लोग हैं, सभी तीन कोने में बैठे हैं, हर कोई मोबाइल में बिजी है। दो काम आप कर सकते हैं क्या, करेंगे करेंगे? मैंने काम तो बताया नहीं, क्या करोगे? देखिए, एक काम आप जीवन में तय करेंगे पर डे, इतना समय मेरा, एक घंटा दो घंटा केयरफुल, जो मैं खाली हूं लेकिन मैं आपको टेक्नोलॉजी से दूर रखूंगा, पर डे एक घंटा दो घंटा टेक्नोलॉजी फ्री आवर, क्या कर सकते हैं आप? कोई गैजेट नहीं, कुछ नहीं, मैं मेरे परिवार दोस्त, मेरा बगीचा, मेरे घर में अगर कुत्ता है तो कुत्ता, जो भी है, बिल्ली है तो बिल्ली, जो भी है, ये एक घंटा मैं तय करूं नो टेक्नोलॉजी, ऐसा कर सकते हैं क्या? जिस परिवार में दो तीन कमरे होते हैं, कुछ बहुत ही गरीब परिवार है उनके लिए तो टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन दो तीन कमरे हैं, क्या कर सकते हैं माँ बाप से आज बैठ करके वापिस जाने के बाद, कि घर के अंदर एक कमरा ऐसा तय करेंगे जिसमें टेक्नोलॉजी को नो एंट्री, उस कमरे में जो ही आएगा बिना टेक्नोलॉजी, आप जरा करके देखिए, जिंदगी बहुत नए अनुभव वाली हो जाएगी। तो एक प्रकार से मैं टेक्नोलॉजी के अतिशय महात्मा भी देता हूं, एट द सेम टाइम मेरे भीतर का इंसान रोबोट न बन जाए इसकी भी चिंता करता हूं, और इसलिए दोनों को बैलेंस बना करके चलने के कुछ तरीके हैं जो मैंने आपको बताए हैं। मान्यवर, आपके सानिध्य को पाकर हम जीवन में अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे, आपका धन्यवाद। उगते सूरज का प्रदेश अरुणाचल, यहाँ के जीएनवी पापन पारे से तापी अकू सभागार में उपस्थित है, आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। अकु, अपना प्रश्न पूछिए। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, वेरी वार्म ग्रीटिंग फ्रॉम द लैंड ऑफ राइजिंग सन अरुणाचल प्रदेश। आई एम तपी अकु, स्टडिंग इन स्टैंडर्ड 12 फ्रॉम जेएनबी पापुम परे अरुणाचल प्रदेश। प्रधानमंत्री जी, आपने पार्लियामेंट में अधिकारों और कर्तव्यों पर भाषण दिया था, वो मुझे पसंद आया। आपके अनुसार देश के नागरिकों को कर्तव्यों के प्रति हम कैसे सजग बना सकते हैं? धन्यवाद। धन्यवाद अकु। फॉर अ क्वेश्चन सिमिलर टू दिस वन, वी हैव विद अस शैलेश कुमार फ्रॉम केवी गिल नगर चेन्नई। ही इज अ क्लास 11 स्टूडेंट फ्रॉम तमिलनाडु, अ स्टेट फेम्ड फॉर इट्स हेरिटेज टेम्पल्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम हिम, कुड वी हैव द क्वेश्चन प्लीज? नमस्कार सर, माय नेम इज पी शैलेश कुमार। I am a student of class 11 studying in Kendra Vidyalaya Gilnagar, Chennai. Sir, being a student, what are my rights and what duties I need to perform? Thank you. Thank you, Shailesh. Isse milta julta ek prashn aur bhi hai. Manyavar, Rashtrapita Mahatma Gandhi, Dayanand Saraswati tatha Sardar Vallabhbhai Patel jaise vyaktitva se gauravanvit Gujarat ki Maharaja Agrasen Vidyalaya se गुनाक्षी शर्मा इस साक्षात आपसे अपना प्रश्न पूछना चाहती हैं। गुनाक्षी, अपना प्रश्न पूछिए। सुप्रभात,
मेरा नाम गुनाक्षी शर्मा है, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मैं अहमदाबाद गुजरात के महाराजा अग्रसेन विद्यालय में पढ़ती हूँ। माननीय, मैं आपसे यह प्रश्न करना चाहती हूँ कि मैंने सिविक्स में नागरिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के बारे में पढ़ा है, इन दोनों में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, कृपया बताएं। धन्यवाद। धन्यवाद गुनाक्षी। श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, आग्रह है कि शैलेश, गुनाक्षी एवं अकु की नागरिक कर्तव्यों के विषय का जिज्ञासा का समाधान करें। सबसे पहले तो ये सवाल मुझे अरुणाचल की बेटी ने पूछा है और मैं स्वाभाविक मानता हूं कि अरुणाचल की बेटी के मन से ऐसा ही सवाल निकलेगा। आपके मन में होगा ऐसा क्यों? आप में से शायद कोई अरुणाचल गए होंगे, लेकिन मुझे मालूम नहीं। इस देश में अरुणाचल एक प्रदेश ऐसा है कि जो एक दूसरे को जब मिलते हैं तो जय हिंद करके ग्रीट करता है। ये हिंदुस्तान में बहुत रेयर है। आपको कोई भी मिलेगा तो जय हिंद करेगा, और उसका कारण 1962 के वॉर और अरुणाचल का जो मिजाज बना है, उसी प्रकार से उन्होंने अपनी भाषा के सिवाय देश के अंदर जीवन में ज़्यादा प्रचार के लिए अंग्रेजी में भी उतनी मास्टरी, हिंदी में भी उतनी मास्टरी की है। आप वहाँ के बच्चों को मिलोगे तो आपको लगेगा, और मैं आप सबसे आग्रह करूँगा कि कभी न कभी वैकेशन में दौरा करने का मन करे तो आप नॉर्थ ईस्ट जरूर जाइए। जाएंगे? नहीं, पहले बोल जाएंगे, फिर दुबई जाएंगे, हैं, उसके बाद मौका मिला तो जाएंगे, ऐसा करेंगे ना? हमारा देश सचमुच में अद्भुत है, अनुभव करने जैसा है। मैं आज यहाँ जब आया तो अलग अलग बच्चों के जो पेंटिंग थे वो मुझे बता रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ा अच्छा सुखद अनुभव रहा कि बच्चे अपनी मातृभाषा के सिवाय किसी दूसरी भाषा में अपना परिचय करवा रहे थे। महाराष्ट्र की बच्ची उड़िया भाषा में परिचय करवा रही थी, देहरादून की बच्ची मलयालम भाषा में परिचय करवा रही थी। क्यों? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये जो एक हम लोगों का काम चल रहा है उसको लेकर के इन सब बच्चों ने कोशिश की है। और मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा, अपनी मातृभाषा, फिर अंग्रेजी भाषा, उसके बाद हिंदी भाषा, उसके सिवाय हमारे देश में इतना समृद्ध खजाना है, कोई न कोई एक भाषा से परिचय करना चाहिए, ये जरूर करना चाहिए। अब विषय आया है कर्तव्य। एक तो अधिकार और कर्तव्य, ये साथ साथ जो बोला जाता है वहीं से गड़बड़ हो जाती है। यानी अधिकार भाव कोई एक व्यवस्था है, कर्तव्य भाव को दूसरी व्यवस्था है। जी नहीं, हमारे कर्तव्य में ही सबके अधिकार समाहित है। अगर मैं टीचर के नाते अपना कर्तव्य निभाता हूं तो विद्यार्थी के अधिकार की रक्षा होती है कि नहीं होती है? विद्यार्थी के अधिकार की रक्षा होती है कि नहीं होती है? तो फिर अधिकार और कर्तव्य का झगड़ा नहीं रहता है। महात्मा गांधी बहुत आग्रहपूर्वक कहते थे कि मूलभूत अधिकार नहीं होते हैं, मूलभूत तो कर्तव्य होते हैं, और अगर ईमानदारी से हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें तो फिर किसी को अपने अधिकार के लिए कभी भी कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके अधिकार
उसमें संरक्षित ही होंगे। दूसरा, कभी कभी हम कुछ दायित्व निभाते हैं, जैसे परिवार में माता पिता अपना दायित्व संभालते हैं, बच्चा अपना दायित्व संभालता है, अड़ोस पड़ोस के लोग अपना दायित्व संभालते हैं, लेकिन बात यहाँ तक सीमित नहीं होती है। इतना बड़ा विशाल देश, एक राष्ट्र के रूप में हमारे कुछ कर्तव्य हैं जो हमें निभाने चाहिए कि नहीं निभाने चाहिए, निभाने चाहिए कि नहीं निभाने चाहिए। अगर आगे ले जाने के लिए कुछ करना है तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब जैसे 2022 आजादी के 75 साल हो रहे हैं, अब आजादी के 75 साल हो रहे हैं और 2047 आजादी के 100 साल होंगे। आपने कभी सोचा है कि 2047 में जब आजादी के 100 साल होंगे तब आप कहां होंगे? आप किसी न किसी व्यवस्था में लीडरशिप देते होंगे। लीडरशिप मतलब मेरा वाला काम नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में लीडरशिप होती है। क्रिकेट का एक कैप्टन भी लीडरशिप देता है, कबड्डी का एक कैप्टन भी लीडरशिप देता है, कारखाने में 200 मजदूरों के साथ काम करने वाला भी लीडरशिप देता है। तो जीवन के हर क्षेत्र में जब देश आजादी की शताब्दी मनाएगा तब आज जो मेरे 10वीं 12वीं के विद्यार्थी हैं वे उस समय देश में लीडरशिप की पोजीशन में होंगे।